हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनीज कॉर्नर। तो गाइस, आज मैं आपके लिए दम आलू की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी है, क्विक है। तो गाइस, चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और मैंने कैसे बनाया है इसे। तो गाइस, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं इस तरह के बेबी आलू, जो कि मैंने धो के कट कर लिया है और इन्हें अच्छे से सुखा लिया है। यहाँ पर मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं। लिया है मैंने कश्मीरी मिर्च, 8-10 काजू ले लिए हैं, कस्तूरी मेथी ली है मैंने, और जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, और रफली कट मैंने यहाँ पे टमाटो ले लिए हैं, ये वाली रेड मिर्ची ले ली है, ग्रीन चिली ली है, और ये कट करके मैंने अनियंस भी ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने सारे मसाले जो नॉर्मल यूज़ करते हैं वही मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आलूओं को इस तरह से बीक कर लूँगी, ताकि जो हम लोग जो ग्रेवी बनाएंगे उसका जो जूस है वो इसके अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ आलूओं को आपको बीक करके दिखाती हूँ। और आपको इस तरह के छोटे आलू लेने हैं दम आलू बनाने के लिए, तो ये बहुत अच्छे बनते हैं और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत नेचुरल सा लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सारे आलूओं को बीक कर लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल, और ऑयल में मैंने डाल दिए हैं अपने आलू, और इनको हम थोड़ी देर के लिए गोल्डन फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे, एकदम डार्क गोल्डन भी नहीं करेंगे, क्योंकि डार्क गोल्डन करने से क्या है गाइस, इनकी जो स्किन है वो ज़्यादा ब्राउन हो जाती है, उससे वो कड़वी लगती है। तो इनको हम लाइट गोल्डन करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम तेज़ आँच में इन्हें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं, और इनको पलटते हुए ही हमें इनको गोल्डन कर लेना है। और बीच बीच में गाइस, हमें अपनी गैस जो है वो थोड़ी सी धीमी भी करनी है, ताकि हमारे जो आलू हैं वो अंदर तक पक सके। हमें इन्हें 80% इस तरह से पकाना है, और 20% हम इन्हें ग्रेवी के साथ पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू हैं वो एक ही बार में डाल दिए हैं, क्योंकि ये पैन है मैंने चौड़ा वाला लिया है, तो उसमें एक बार में काफ़ी सारे आलू फ्राई हो जाते हैं। नहीं तो छोटी अगर आप कढ़ाई लेंगे या कुछ लेंगे तो उसमें आपके सारे आलू एक साथ फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे दबा के देखती हूँ तो अंदर तक जा रही है मेरी स्पून, तो इट मीन्स कि ये अभी हाफ फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे, हल्का सा गोल्डन करेंगे, इन्हें एकदम डार्क तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे, जिससे कि ये खाने में थोड़े क्रिस्पी भी लगेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं इनको थोड़ी देर में पलट रही हूँ, और आँच को हमें लो मीडियम रखना है, एकदम हाई भी नहीं रखना है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारे आलू हैं वो ऑलमोस्ट गोल्डन हो चुके हैं, हमें इसी स्टेज में इन्हें निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और फिर हम आगे की प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मेरे आलू कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम गोल्डन हो गए हैं। तो मैंने पूरे से निकाल लेती हूँ, और फिर मैं आगे की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इनको आगे कैसे इनको प्रेजेंटेशन दिया है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल, मैंने उसी पैन में ऑयल कम कर लिया है। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ खड़ी मिर्ची, लाल वाली और हरी वाली दोनों मैंने साथ में डाल दी है, और रफली कट मैंने अनियंस डाल दिए हैं। तो इन प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा गोल्डन करेंगे, एकदम डार्क गोल्डन नहीं करेंगे, रफली ही इन्हें भून लेंगे अच्छे से। और इसमें हम अब डालेंगे अपने थोड़े से जो हमने काजू लिए थे, तो मैंने यहाँ पे 8-10 ही काजू लिए हैं, ज़्यादा काजू नहीं लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा काजू लेनी है ग्रेवी में तो ज़्यादा काजू ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर भूनने के बाद अभी इसमें देखिए इस तरह से काजू इंक्लूड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 8 काजू लिए हैं, तो यहाँ पे इनको भी हल्का सा गोल्डन करेंगे, ज़्यादा काजुओं को ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो वो भी कड़वे हो सकते हैं, तो सब्ज़ी में जो है टेस्ट थोड़ा सा कड़वा आता है। तो यहाँ पे इस तरह से उसको फ्राई करते रहेंगे, और इनको एकदम ज़्यादा डार्क गोल्डन नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन करना है, और बीच बीच में इसको हिलाते भी रहना है, और गैस को लो मीडियम रखना है। और यहाँ पे मैंने इस तरह से इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, तो टमाटर को थोड़ा सा हिलाएंगे, और थोड़े से टमाटर जब हमारे पक जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इस मसाले को क्या है गाइस, हमें पीसना है, पीसने के बाद इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे, और ग्रेवी बनाने के बाद हम आगे की प्रिपरेशन करेंगे। तो इस तरह से मैं इसे हिलाते हुए लो मीडियम गैस पे फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा अभी इस स्टेज में नमक डाल रही हूँ, ज़रा सा ही डाल रही हूँ, बाद में मैं सारा नमक डालूँगी। अभी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, वो इसलिए ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए, और मसालों में भी अच्छा सा एक नमकीन बनाए, नहीं तो थोड़ा मसाला फीका फीका लगता है, और बाद में नमक डालने से गाइस जो है मसाला जो नमकीन ज़्यादा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें अभी नमक डाल दिया था। तो इस तरह से मेरा मसाला अभी परफेक्ट भून गया है, हम ही गैस बंद कर देंगे और मसाले को थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा मसाला ठंडा हो गया है, और मैंने ग्राइंडर में इस तरह से मसाला डाल लिया, और मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसूँगी, मीडियम पीसूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने मसाले को पीस लिया है, कितना अच्छा सा कलर आया है, येलो येलो इसका। और दूसरी कढ़ाई में मैंने वही वाला जो तेल था वो ले लिया है, और थोड़ा सा जीरा इसमें डाल के देख रही हूँ। तो ये जीरा थोड़ा मैंने डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा क्रैक होने देंगे,
और इसमें जो खड़े मसाले थे, खड़े मसालों में गाइज मैंने ली है बड़ी वाली इलायची, दालचीनी ली है, सौंफ ली है, काली मिर्च ली है लौंग। तो ये सब आप खड़े मसाले जो हैं अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। हम लोग गरम मसाले थोड़े कम खाते हैं तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़े से ही मसाले ऐड किए हैं। अगर आप गरम मसाले ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा गरम मसाले ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पेस्ट लिया था टमाटर का और प्याज का, वो मैंने अच्छे से पीस लिया था और इस तरह से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से भून रहा है ये, और इसको अच्छे से भून लेंगे हम। तो यहाँ पे इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये ज़्यादा एकदम ओवर फ्राई भी नहीं होना चाहिए और कम फ्राई भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहे तो अदरक लहसुन काट के पहले इसको फ्राई करने के बाद पीस भी सकते हैं, लेकिन मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैंने अभी इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने जो ग्राइंडर में जो गाइस मसाला हमारा पीसने के बाद बच जाता है तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, और पानी डालने के बाद मैंने उसको भी इसमें मिक्स कर दिया है। और अभी ये अच्छा से इसका पेस्ट जो बन गया है उसे हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे कि हमारा पानी थोड़ा सा सूख जाएगा तो हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसको हिलाते हुए हमें भून लेना है। तो देखिए अच्छा सा इसमें बॉईल आ गया है। तो यहाँ पे हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ हल्दी। तो थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें डाल दी है, और अब ऐड करूँगी इसमें मैं धनिया पाउडर। तो आप अपने अकॉर्डिंग मसाले ले लीजिए, आप जैसे मसाले खाते हैं वैसे ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दी है इसमें लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ किचन किंग। तो गाइस मैंने किचन किंग लिया है, धनिया पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, और नमक मैं थोड़ी देर बाद इसमें ऐड करूँगी। तो आपको जो भी मसाले अच्छे लगते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको गर्म मसाला भी अच्छा लगता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उसमें कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च में मिर्च नहीं होती है, सिर्फ ये कलर के लिए और थोड़े से टेस्ट के लिए होती है। तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। उससे क्या होगा कि इसमें बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। तो नमक आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, जिस तरह से आप नमक खाते हैं उस तरह से आप इसमें नमक ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी चम्मच नमक ऐड कर दिया है, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। और देखिए पेस्ट जो है कितना अच्छा सा स्मूथ हो गया है। और इसको थोड़ी देर हम ढक्कन लगा लेंगे ताकि इसके छींटे हैं जो वो नहीं उड़े और मसाला अच्छे से पक जाए। तो मसाले ने यहाँ पे देखिए साइड में से थोड़ा थोड़ा घी छोड़ दिया है, तो उसको हम थोड़ी देर और भून लेंगे। तो देखिए इस तरह से हिलाते रहेंगे, जिससे क्या है मसाला हमारे कढ़ाई में चिपके नहीं, बीच बीच में हिलाएंगे और ढक्कन लगाते रहेंगे। तो मैंने पूरा वीडियो नहीं दिखाया है, मैं मसाला भून रही थी और बीच बीच में ढक्कन भी लगा रही थी। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है एक कप गरम पानी। आप इसमें गरम पानी डालिएगा, ठंडा पानी मत डालिएगा, क्योंकि ठंडा पानी डालने से गाइस सब्ज़ी में क्या है बहुत कच्चापन आता है, तो सब्ज़ी इतनी टेस्टी नहीं लगती है। तो आप इसमें गरम पानी डालिए, उससे क्या आपकी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैं इसमें देखिए एक छोटा सा बॉईल आ गया है थोड़ा सा। अब इसमें मैं डाल दूँगी अपने ये दम आलू, क्योंकि दम आलू जो हैं हमने वो 80% ही पकाए थे फ्राई करने के बाद। अभी ये 20% और इनको अंदर तक पकना बाकी है और जूस अंदर तक जाना बाकी है। तो हम इसे इस तरह से इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। और अभी ऊपर से डालेंगे इसमें कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी आप ऊपर से डालिएगा इस तरह से, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा खुशबू आती है हमारी रेसिपी में और अच्छी भी लगती है ये। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ढक्कन लगा लिया, और ढक्कन आने के बाद हम इसे तेज आंच में थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और फिर गैस को थोड़ा सा लो कर लेंगे। और बीच बीच में गाइस इसे हिलाते भी रहेंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो नीचे चिपके नहीं। तो इस तरह से हिलाते हुए हम इसे बार बार ढकते रहेंगे और पकाते रहेंगे, और देख लेंगे कि हमारे आलू पके हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे आलू जो हैं वो बन के अभी पक चुके हैं, तो मैं कर लेती हूँ इसकी प्लेटिंग। तो देखिए इस तरह से मैं निकाल लूँगी इन्हें प्लेट में, और मैंने निकाल लिया है और गार्निश किया है इसे हरे धनिए के साथ। तो गाइज़ ये बच्चों को रेसिपी बहुत पसंद आती है, और आजकल सर्दियों का मौसम है तो बेबी आलू भी बहुत आ रहे हैं मार्केट में। इस तरह के आलू आजकल के सीज़न में ज़्यादा मिलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरा दम आलू बनाने का स्टाइल पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, टेक केयर।